गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकली, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ब्रोकली को अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसको वॉश कर लिया और गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के डिप कर दिया है। और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है कैरेट, पोटैटो एंड ग्रीन पीस। और मसाले के लिए मैंने लिया है अनियंस, टमाटो एंड ग्रीन चिली। अभी हम एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, साथ में डाल देंगे क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड थोड़े से पकने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। ये देखिए, अभी अनियन को हम अच्छे से पकाएंगे, जबकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तब भी साथ में इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारे प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाए तो हम इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटोज एंड ग्रीन चिलीज। ये देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटोज सॉफ्ट ना हो जाएं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम अपने जो ड्राई मसाले हैं वो डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा होममेड गरम मसाला। होममेड गरम मसाला डालने से इसमें अलग सा ही फ्लेवर आता है। आपको इसकी रेसिपी मेरी बाकी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी। ये देखिए, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में डाल देंगे कैरेट, पोटैटो एंड ग्रीन पीस। इनको डाल के हम अच्छे से पकाएंगे, लिड बंद कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि हमारी कैरेट 50% तक पकना जाए। ये देखिए, हम कैरेट को बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, ऑलमोस्ट ये हमारी कैरेट अभी 50% तक पक गई हैं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ब्रोकली, जो कि हमने इसको सोक करके रखा था, अच्छे से वॉश करके और इसको स्ट्रेन करके हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। गैस की फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे ताकि जो ब्रोकली होती है वो हमारी बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसको हमें सिर्फ स्टीम से पकाना होता है। तो हम इसको गैस की फ्लेम पे एकदम लो करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, अबाउट 2 to 3 minutes, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए, अभी ये हमारी ब्रोकली बनके रेडी है। ये देखिए, सारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं, ब्रोकली भी अच्छे से बन गई है। वाओ, सो कलरफुल। अभी हम इसको ऑफ कर देंगे और इट्स रेडी टू सर्व। ये देखिए, कितनी अमेजिंग ब्रोकली बनके रेडी है और ये तो बहुत ही हेल्थी। आप इसको बिना रोटी, बिना राइस के आप ऐसे ही खाएंगे तो भी ये बहुत अमेजिंग लगती है और बहुत ही हेल्दी होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये आपको पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।